बल्दी राय क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा माफियात ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास देने में ग्राम प्रधान तौकीर अहमद द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। विकास खंड बल्दी राय के ग्राम सभा कस्बा माफियात निवासी शिकायतकर्ता महबूलू हसन ने बताया कि हमारे गांव के प्रधान हबीबुर रहमान उर्फ तौकीर अहमद ने हमारे कच्चे घर के सामने स्वयं फोटो खिंचाकर दिखाकर गांव के प्रधानमंत्री आवास के अपात्र दिल्ली में रहकर अधिक पैसा कमाने वाले पहले से पूरा घर पक्का मुकीम अहमद को प्रधानमंत्री आवास दिला दिया है, जिसकी प्रथम किस्त भी आ चुकी है। मुकीम अहमद के बैंक खाते में जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान तौकीर अहमद एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीप्ति यादव के ऊपर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से शिकायत शपथ पत्र के माध्यम से लिखित किया गया था। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद प्रधान तौकीर अहमद एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीप्ति यादव के ऊपर कोई कार्रवाई एवं जांच तक नहीं हुई। जबकि ग्राम प्रधान द्वारा कच्चे घर के सामने ऑनलाइन के माध्यम से जो फोटो में खड़े हुए स्वयं थे उसको बदलवा दिया। इस रिपोर्ट के शिकायतकर्ता हबीबुल हसन है। यूपीएस न्यूज 24 सुल्तानपुर से युधिष्ठिर सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे गाँव के प्रधान कौन सा गाँव? ग्राम सभा कस्बा माफिया। कौन है प्रधान? ग्राम प्रधान हबीबुर रहमान उर्फ तौकीर अहमद हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी कस्बा माफियात दीप्ति यादव, दोनों की साठ गांठ से हमारा घर दिखा करके और प्रधान जो है स्वयं फ़ोटो खिंचा करके, जो कि मेरा कच्चा खपड़ैल मकान है, वो जो है अपात्र व्यक्ति मोहम्मद मुकीम जो दिल्ली में कमाता है, जिसका पक्का मकान ग्राम सभा में बना हुआ है, फोटो स्वयं खिंचा करके प्रधान द्वारा मेरे घर के सामने वो जो है अपात्र व्यक्ति मोहम्मद मुकीम को जी कॉलोनी पास करा दिया गया, जिसकी किस्त एक किस्त 40,000 रुपये 19/1/2021 को जारी हो चुकी है। ये प्रार्थना पत्र डीएम साहब सुल्तानपुर को दिया, जो कि डीएम साहब ने आदेश दिया है सीडीओ साहब सुल्तानपुर को, जिन्होंने कहा कि हम उचित कार्रवाई करा करके उसकी रिकवरी कराएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी, आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया गया है हमें। जी जी, अभी तक 10 फरवरी 2021 को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।